गोंडा जनपद को वादी प्रवीण तिवारी पुत्र रामसेवक तिवारी निवासी ग्राम ककरहवार रनियापुर थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच द्वारा थाना कोडिया पर सूचना दी गई कि उसके पिता का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया है। सूचना पर थाना स्थानीय में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर गहनता से विवेचना की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी मुकदमा द्वारा स्वयं पैसों के लालच में आकर ग्राम घुचुआपुर मोजा कोचवा के अपने एक साथी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी। वह शव को छिपाने के उद्देश्य से एक बोरी में लाश को भरकर उसे चादर से ढककर आर्यनगर नहर पुलिया से फेंक दिया गया। सूचना पर दोनों अभियुक्त गणों को ग्राम रनियापुर ककरहवा मोड़ बहद ग्राम सहजनवा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त गणों के विरुद्ध थाना कोडिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई है। जनपद गोंडा थाना कोडिया थाना अध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा आज दो अभियुक्त प्रवीण तिवारी और रामकृपाल पाठक और बड़कों को गिरफ्तार किया गया है। इसके संबंध में स्पष्ट करना है कि जो ये अभियुक्त है ये प्रवीण तिवारी, इसके द्वारा 16 अगस्त को थाने में अपने पिता श्री रामसेवक तिवारी की गुमशुदगी का प्रार्थना पत्र दिया गया था। बाद में इसके द्वारा जो है फिरौती हेतु अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के द्वारा छानबीन की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार कई टीमें लगाई गई, स्वाट को लगाया गया, सर्विलांस को लगाया गया टीम को, और कई थानों की पुलिस टीम के द्वारा आज इस घटना का अनावरण किया गया है। इनके पिताजी की जो डेड बॉडी थी, दो दिन बाद नहर से बरामद हुई थी। डेड बॉडी बोरे में भरी थी, उसमें ईंटें डाले गए थे। इस सब एहसास संकलन किया गया सीसीटीवी फुटेज से, सर्विलांस से, इंटरप्शन से ये बातें स्पष्ट हुई कि वादी जो प्रवीण तिवारी है, इसी के द्वारा अपने साथी बड़कों के साथ मिल करके पिताजी को मार करके बोरे में बांध करके नहर में फेंका गया था। और आज गिरफ्तारी के समय पूछताछ में भी इसने जुर्म इकबाल किया है और ये बताया है कि मुख्य कारण ये था कि पिताजी के पास पैसा होने के बावजूद वो बड़े भाई और दूसरे भाई के ऊपर पैसा खर्च कर रहे थे, उसको नहीं दे रहे थे और उसके द्वारा लोन लेकर के घर चलाया जा रहा था। और भी समस्याएं थी जिसकी वजह से उसने अपने साथी के साथ मिलकर के अपने इस तरह का ये घटना को अंजाम दिया है। इस पूरे प्रकरण में और भी जो विधिक कार्रवाई की जा रही है, फिलहाल इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।